रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में हंगामा, भाषण दे रहे पूर्व विधायक से माइक छीना, समर्थकों ने की नारेबाजी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर के सामने से माइक हटा दिया गया। दरअसल राजनाथ सिंह बुधवार को जोधपुर के बालेसर के दौरे पर थे। बालेसर के ही माँ चामुंडा मंदिर के खेल गाँव में जनसभा का आयोजन किया गया था। मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण होने के बाद शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर भाषण देने पहुंच गए। इतने में बेलवा राणा जी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह इंदा आए और बाबू सिंह को बोलने से मना करते हुए उनके आगे से माइक हटा दिया। बाबू सिंह ने बोलने का मौका देने की बात कही लेकिन मना कर दिया गया। यह सब देखकर मंच पर बैठे नेता सकते में आ गए। भाषण देने से रोकने पर बाबू सिंह ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह की अनुमति लेकर आया हूं, मुझे बोलने दो। काफी देर तक मशक्कत के बाद बाबू सिंह वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। बाद में पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उठे और बाबू सिंह को मंच पर लेकर आए। उसके बाद बाबू सिंह ने अपना भाषण दिया। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने बाबू सिंह के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। बाबू सिंह के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जिस शांति और सुरक्षा में हम जी रहे हैं उसके लिए हमारे वीर सैनिकों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। राजनाथ ने कहा कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया है। पहले भारत कमजोर और गरीब देश माना जाता था, आज जब भारत बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। केंद्र सरकार ने करिश्माई काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के कई देशों को पछाड़ा है। आज अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया के 5 देशों में है और जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे नंबर पर आ जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। राजनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए गांव, गरीब और महिलाओं का सम्मान प्राथमिकता पर है। सरकार ने लोगों को आवास उपलब्ध करवाया, घर घर शौचालय बनवाए, हर घर नल हर घर जल परियोजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। 9 साल में सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में उंगली तक नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनधन खाता खोला जिससे अब 100% पैसा सीधे लोगों तक पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को भाषण से समाप्त नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव से कम किया जा सकता है।